देश में इन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में महानगरों में पूल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग मौज मस्ती के साथ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठाते हैं। यूपी की ही बात करें तो महानगरों के अलग अलग रिजॉर्ट्स में भी ऐसी ही पार्टियों का आयोजन किया जा रहा है। इन पूल पार्टियों में एंट्री आसान नहीं होती, इन पार्टियों के टिकट बेहद महंगे होते हैं। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी पूल पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें नेपाल में होने वाली पूल पार्टी का क्रेज इंडिया में ज़्यादा ही देखा जाता है। चूंकि नेपाल भारत से सटा हुआ देश है और यहाँ आना जाना आसान भी है, लिहाजा बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल जाते हैं। वहीं नेपाल के बहरावा में आयोजित एक पूल पार्टी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस पूल पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड की एक अभिनेत्री गोरखपुर के एक बड़े व्यापारी के साथ अश्लील हरकतें करती नजर आ रही है। दरअसल भारत में आयोजित होने वाली पूल पार्टियों में ऐसी हरकतें करना संभव नहीं होता है, और नेपाल में आयोजित ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बॉलीवुड से कुछ अभिनेत्रियों को बुलाकर ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बॉलीवुड में कभी ठीक ठाक नाम कमाकर फिलहाल काम की तंगी से जूझ रही कई सेलिब्रिटीज यहाँ मनोरंजन करती हैं। ये वीडियो क्लिप इन दिनों एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भाग रही है। इस वीडियो में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री दिखाई दे रही है। पूल पार्टी के निजता लीक कर रहे खबरी दावा करते हैं कि ये ऐसी पहली पार्टी नहीं है, बल्कि ऐसी हर दिन कई पार्टियों का आयोजन किया जाता है जो जमकर अय्याशी। बता दें कि अमर उजाला के स्पेशल एडिशन ने सबसे पहले इस पूरे मामले का खुलासा किया था, एक्सपोज किया था। वो आपको क्लिप दिखा देते हैं जिसके माध्यम से एक्सपोज किया था। ये देखिए, ये हम दो तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहली तस्वीर तस्दीक करती है कि किस तरह से इंडिया में अगर ये लीगल नहीं है तो नेपाल में जाकर किस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है। और ये बॉलीवुड की एक अभिनेत्री बताई जाती है जो एक वक्त में ठीक ठाक नाम कमाया था, लेकिन इस वक्त काम की तंगी है तो कुछ इस तरह से वहाँ जो पूल पार्टी आयोजित करते हैं वो लोग इनको बुलाते हैं। और गोरखपुर का व्यापारी बताया जा रहा है जो असली हरकत कर रहा है। तो दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं जो एक्सपोज सबसे पहले इस खबर को किया था, अमर उजाला ने किया था, और हमारे साथ खुद जिन्होंने ये एक्सपोज किया था वो संवाददाता हमारे साथ जुड़े अमर उजाला के शिवम। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस पर। जी, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये खबर आप तक कैसे पहुंची, कैसे आपने इसे कवर किया? लेकिन वीडियो मेरे पास सोशल मीडिया से डेली ही आई थी, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस ही है कि आपको नहीं बता सकता हूँ कि किसने मुझे भेजा। जी 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 और नेपाल में ये पार्टियां होती हैं, लंबे समय से होती है, लेकिन ये एक हिस्सा है जो बाहर आ गया है। जी, आपसे शिवम ये भी जानना चाहेंगे फिलहाल कि बताइए कौन लोग हैं जिस जो इस तरह की पूल पार्टीज में शिरकत करते हैं, पैसे लुटाते हैं, जो काम इंडिया में संभव नहीं है वो वहां जाकर करते हैं, किस तरह के लोग हैं ये? जाहिर बात है जो बड़े लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं जी, और जो पति भी हैं, लेकिन उनका नाम लेना कानून से ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत है और चौधरी के अंदर था, वो बाहर आया है जी, नहीं। अच्छा, ये नेपाल का बहरावा जो इलाका है वो बिल्कुल क्या सटा हुआ है इंडिया से, कितना दूर है अगर सीमा की अगर बात की जाए? नेपाल जो है वो सटा हुआ है इंडिया से, और इसके जो बॉर्डर है टूरिस्ट यहाँ से गोरखपुर से रोजाना ही जाते हैं जी। कई महीना क्योंकि छुट्टी का पड़ जाता है, इसलिए इस तरह के आयोजन की संख्या वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपने तहकीकात बहुत गहराई से की, आपसे जानना चाहेंगे बहरावा क्या इस चीज का अड्डा बन चुका है जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आई? बहरावा में ये लंबे समय से चल रहा है जी। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक हिस्सा है जो बाहर आ गया है जी, बकिया ये चल रहा है लंबे समय से रहा है। गोरखपुर से यहाँ से जाने वालों की संख्या भी बहुत है, बाहर से लोग भी आते हैं तो सेंटर पर गोरखपुर ही बनाते हैं। अच्छा, क्या कानून तो वैसे जुर्म है, अगर नेपाल की अगर बात करी जाए उनके भी संज्ञान में ये पूरा मामला रहता होगा? बिल्कुल, उनके संज्ञान में पूरा मामला रहता है, ये परफॉर्मेंस के तौर पर बुलाते हैं, ये वो एक्टर है जो
इतना तंगी के दौर में चल रहे हैं, इनके पास काम नहीं है। पहले ये अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनको परफॉर्मेंस के तौर पर बुलाया जाता है, फिर उसके बाद जैसी जिसकी जो बोली होती है जी, अपना व्यापारी पैसा खर्च करते हैं, फिर परफॉर्मेंस की बात आगे बढ़ जाती है। अच्छा, ये आप चूंकि आपने इन्वेस्टिगेट किया ऐसे गहराई से, तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि किस तरह से कांटेक्ट किया जाता है बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों से, कैसे वो वहां तक पहुंचती हैं, क्या नेक्सस इनका होता होगा? नेपाल में ये पुराना है, नेपाल के जो भी बड़े स्टार हैं उनका सीधा संपर्क इनसे होता है। जो परफॉर्मेंस के तौर पर बुलाई जाती है, परफॉर्मेंस के लिए बुलाई नहीं होता है, उसके बाद आप जाते हैं तो पहले तो सबसे सामान मिलता रहेगा जी जी, उसके बाद धीरे धीरे आप होटल के जरिए ही मिलते व्यापारी होंगे, दूसरे लोग होंगे, इस तरह से अच्छा। शिवम, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि पहले अभिनेत्रियों को बुक कर लिया जाता है या फिर इस तरह की सेलिब्रिटीज को बुक कर लिया जाता है, उसके बाद क्या व्यापारियों को इनवाइट किया जाता है या पहले से व्यापारियों को बता दिया जाता है? इनवाइट नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो पहले से ही मशहूर है इस कामों के लिए जी, तो यहाँ पे लोग जानते हैं कि वहाँ पे नेपाल से जाने से हर चीज हमको अवेलेबल होती है। अच्छा, ये कितना ये बड़ा नेक्सस है, कितने पैसे इसके इसके माध्यम से लेन देन होता होगा? एक व्यापारी कम से कम इसमें 10 से 12 लाख रुपया खर्च करता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शिवम आपका, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है निजरो वॉइस पर आपका। जो तस्वीरें हम आप देख रहे हैं लगातार, चूंकि स्पष्ट उन्हें दिखा नहीं सकते, बेहद अश्लील तस्वीरें हैं, लेकिन इन सब के बीच ये समझना आपसे चाहेंगे, नेपाल और भारत मित्र देश हैं, ये सब जानते हैं, आवाजाही बड़ी आसान है, लेकिन जो काम अगर यहाँ नहीं हो सकता वहाँ हो रहा है और उस पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि जिन्होंने इसे एक्सपोज किया था उनका बताना है कि इस तरह की पार्टियों का लाखों का टर्नओवर होता है। जुड़ेंगे उत्कर्ष जी से हम, लेकिन इन दो तस्वीरों को इसलिए देखाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली वो क्लिप है जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया मरुजला के जो स्पेशल करस्पॉन्डेंट है यानी शिवम, उन्होंने इसे इन्वेस्टिगेट किया और इसे सच पाया, सही पाया और गहराई से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। नेपाल के बैरवा में बताया गया है कि अड्डा बन गया है, जो काम हिंदुस्तान में गैरकानूनी है वहाँ जाकर आराम से, देखिए ये तस्वीरें इतनी अश्लील हैं कि हम आपको खुलकर दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि अमूमन जो रिच फैमिली के लोग होते हैं, अमूमन व्यापारी कारोबारी ये लोग वहाँ पर जाते हैं, पूल पार्टीज़ का क्रेज़ रहता है ये सभी जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं। नेपाल का भैरवा फिलहाल इस तरह के कामों के लिए बदनाम भी हो रहा है। तो यशी का अड्डा बन के रह गया है भैरवा, लाखों का इसका टर्नओवर है। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वॉइस पर आपका। नेपाल और भारत मित्र देश हैं, लेकिन जो काम यहाँ गैरकानूनी है वहाँ धड़ल्ले से हो रहा है, वो तस्वीरें हैं वाकई बड़ी अश्लील तस्वीरें हैं वो। देखिए प्रज्वल, वो ये रहा है कि पहले भी नेपाल में कसीनो एक बड़ा आकर्षण रहता था भारतीय पर्यटकों के लिए जी, लेकिन भैरहवा में जब से ये कसीनो और ये रिसोर्ट खुला है उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आमतौर पे हो ये रहा है कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर से गोरखपुर है, कुशीनगर है, सिद्धार्थ नगर है, यहाँ के युवा और यहाँ के कुछ युवा व्यवसायी ये हर शनिवार शुक्रवार की शाम को चले जाते हैं और शनिवार को वहां पर ऐसी पार्टियां आयोजित होती हैं और संडे को ये वापस आ जाते हैं। दूसरा, ये ऑर्गेनाइज तौर पर जो जुए का खेल है, जो नशे का खेल है, जो अय्याशी का खेल है, ये इसके लिए एक बहुत ही इतना क्लोज डेस्टिनेशन हो गया है जिसके लिए किसी को, क्योंकि गोरखपुर या सिद्धार्थनगर से वहां तक पहुंचने में मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो ऐसे में आराम से जा करके और आराम से लौटना और दूसरी तरफ से कानूनी रूप से वहां पर ये सारी सुविधाएं उनको, हालांकि अश्लीलता वाला जो फैक्टर है वो नेपाल में कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो गैर कानूनी वो भी है। वहां पर कसीनो का लीगल लाइसेंस जरूर होता है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हमने देखी इन वीडियोज में, ये वहां भी अलाउ नहीं है जी। बहुत अपराध तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए उत्कर्ष सिन्हा जी। तो फिलहाल वहां पर भी ये अलाउ नहीं है, अवैध है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, एक विचारणीय प्रश्न दोनों ही देशों के लिए है।